वेलकम टू स्टीयर अवे। अरे भाई साहब कसम, पकड़ के रखो भाई, गाड़ी हलने वाली है। ये हिली गाड़ी, ओ ओ ओ ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, स्टीयर अवे में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम करेंगे डे पिकनिक पुणे से 120 किलोमीटर दूर घारगांव में, जहां पर है कर्जाई देवी मंदिर। घारगांव पड़ता है पुणे नासिक हाईवे पर, जो कि प्रसिद्ध है अपने घारगावी पेड़ों के लिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कर्जाई देवी माता मंदिर की ओर। बॉम्बी भाई, अभी ऊपर चढ़ना है, हम अपने चेंज करो यार, पेट्रोल लगे के लिए। समोर बघा पाणी, ओ हो, निकल गे निकल गे। मला वाटलं पाण्यात गेली आता गाडी, काय खरं जंगल है भाई, जंगल जंगल में होगा मंगल, कैसे करेगा टंगल यार जंगल। खाली वो काका तो काम करता था। अभी तो हमने ऊपर वाला
पकड़ के रखो भाई, गाड़ी हलने वाली है। ये हिली गाड़ी। ओ ओ ओ ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हिल रही। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। आज हम लोग हैं देवी के मंदिर में, करजाई देवी मंदिर। जी हाँ, यह है घारगांव में और पुणे से हम लोग आए हैं आसपास 120 किलोमीटर टू रीच हियर। सो चलिए देखते हैं आज। हाँ, आज हम लोग साथ आद्य है, अवनीश है, लेकिन आवना ही है तो मम्मा नहीं आई है क्योंकि उसका काम था, उसका ऑफिस का काम था। तो चलो चलते हैं घारगांव देवी मंदिर में। सो गाइस, ये रास्ता है, रास्ते पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और हमें जाना है नीचे। हाँ जी, खाई में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग। सो देखते हैं कैसे जाएंगे। बारिश बहुत कम है गाइस यहाँ पर, तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। सो अदरवाइज यहाँ पर एक अच्छा खासा वाटरफॉल होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं अध्या? इधर तो नहीं, तो ये चालू होता है। जी हाँ, नहीं तो यहाँ पर अच्छा खासा वाटरफॉल होता है और हम पानी में थोड़ा खेल सकते हैं। नहीं, अभी बारिश बहुत कम है गाइस यहाँ पर। वैसे पुणे में अच्छी खासी बारिश हो रही है और आसपास का, लेकिन फिर भी देखिए आसपास का जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है। ग्रीनरी देखिए गाइस, ओ वाह। और आपने आपने अभी यहाँ आने का रोड देखा होगा गाइस, ओ हो, मेस्मराइजिंग मेस्मराइजिंग। इतना जागा बघा सर, खाली होऊन जायचे, खाली आप द्या, आम्ही तिच्या पुढे नाही जायचं आपल्याला। तो ये सीढ़ियां उतर रहे हैं गाइस हम लोग अभी। आप देख सकते हैं ये जो झोपड़ी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे हमारी पीछे कार पार्क्ड है और ये साइड से हम लोग आए हैं, अब नीचे जा रहे हैं। ओ गाइस, मेस्मराइजिंग। चलो चलो चलो, पाऊस यायला लागला। हळूहळू हा, हळूहळू अवनीश, खाली ग्रीन बघून चाल। हा, चला चला चला, हळू हा, ग्रीनच्या इथे नको, पकडून चाला, पकडून चाला। बहुत ही गाइस, बहुत ही पूरा जंगल परिसर है और गांव के बाजू में ही है, बिल्कुल लगकर ही है गांव को। चलो गाइस चलो, ये अवनीश आद्या दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और ये है मंदिर गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ तक। सो हम पहुंच गए गाइस करजाई देवी मंदिर। ये है मेरे पीछे मंदिर। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है पर कोई बात नहीं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। नॉर्मली ये जो जगह है यहाँ से वाटरफॉल गिरता है, लेकिन अभी जस्ट बारिश यहाँ पे बहुत लेट पहुँची और बहुत कम बारिश है तो वाटरफॉल है नहीं। कोई बात नहीं, वाटरफॉल होता है। और ये जो जगह है पूरी पानी से भरी हुई रहती है, टाइप काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल। आई थिंक 10 फीट्स का रहेगा, 8 to 10 फीट्स का। और बहुत ही अच्छा ये गाइस, इस तरफ भी एक ट्रेल जा रहा है, आई थिंक ये गांव की तरफ जा रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं अगर। तो ये देखिए, तो वहाँ से मोटरसाइकिल्स आ सकती हैं। चलते हैं गाइस मंदिर में, देवी का दर्शन लेते हैं। हाँ, चप्पल निकालिए गाइस, इधर इधर साइड में निकालिए। सिंपल सा मंदिर है गाइस, देखिए द्वारपाल और यहाँ कुछ मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे तुलसी वृंदावन
बहुत ही सिंपल और अच्छा। और यहाँ हम आगे मंदिर के अंदर, चलो एक छोटी सी गुफा में देवी की सिंपल सी मूर्ति और सिंपल सा मंदिर, लेकिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी जगह, वाह। यहाँ बैठने का मन है लेकिन गाइस बारिश चल रहा है, तो फिर से आपको एक बार दिखा दूं। अच्छा है अवनीश, ये आद्य अवनीश, हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग, नाइस, ये आद्य यू लाइक्ड इट, ये छोटी सी गुफा थी और आप देखो सब पसंद आया, मेस्मराइजिंग गाइस। ये वॉटरफॉल अगर अभी होता सो ये ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो जाती 100%, पर हम फिर से आएंगे, मेरी वाइफ अर्चना आऊ को लेके वापस आएंगे, और तब अगर ये वाटरफॉल चालू रहा तो मजा आ जाएगा गाइस, मजा आ जाएगा। चलिए गोइंग बैक टू आवर कैंपर वैन, एंड आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, यही हम लोग लंच या ब्रंच बनाने वाले हैं, क्योंकि आऊ नहीं है इसलिए हम अपना छोटा सा किचन खोलेंगे और छोटी छोटी चीजें बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं ब्रंच, क्या बोल रहे हैं, क्या क्या ब्रंच ब्रंच, हाँ ब्रंच बोलते हैं बेटा, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, बड़ा लंच उसको ब्रंच बोलते हैं, यस इट इज ब्रंच, सो इट इज लाइक पापाज डे आउट विद चिल्ड्रन, और आज पापा बनाएंगे छोटा सा कुछ, तो भी आई एम नॉट वेरी गुड विद कुकिंग गाइस, सीख रहा हूँ अभी भी। तो चलते हैं कार की तरफ, ये हमारी गाड़ी, अब उसे कहाँ पार्क करना है ये देखते हैं। शेड बनाया गाइस हम लोगों ने कैंपिंग के लिए, हवा में काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे, घर पे डीआईवाई करके इस पे रिबिट्स लगाकर और कुछ पोल्स की मदद से खड़े करने की कोशिश की हमने इसको, लेकिन हवा में नहीं हो पा रहा है, सो अभी हम इसको नॉर्मल मैंने पत्थरों से टाई किया है, उसको आप लोग देख सकते हो, इधर एक पत्थर है, ये वाला अवनीश के पास एक पत्थर है, सो इससे हमने टाई कर दिया उसको, तो अभी स्टेबल है, लेट्स स्टार्ट आवर कुकिंग प्रिपरेशंस। परीश तो चलिए अंदर चल के बैठेंगे बाबू और प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप लोग दोनों जाओ, धीरे से जाओ, ये पोल्स पार करके जाना, तो ये एक पोल गाइस हमने फिलहाल ऐसा लगा दिया है, लेकिन दूसरा पोल गिर रहा है, सो अंदर तो आ गए, दरवाजा लगा लूं गाइस, सो बाहर हो रही है बारिश, सो गाइस सब कुछ हम लोग अंदर ही हैं टेंट के अंदर, तो आज क्या बनाने वाले हैं बताओ गाइस आप लोग, सैंडविच, आज बनेगा सैंडविच, क्योंकि पापा को ज्यादा कुकिंग नहीं आती है, पर वो आपके बैग में है ना, हाँ तो चलिए बैग लो, सो गाइस गाजर, कैरेट, कैरेट को भी थोड़ा सा छील लेते हैं, गाजर का काम अवनीश आप करोगे, हाँ हाँ,
कैरेट छील के दे दे। ओनियन है। वेरी गुड। आदे को सब पता है। इसमें हमारी वाली सॉरी। यस। वो वेस्ट नहीं करने चाहिए, इसलिए ट्रैश बैग लेके जाते हैं हम। यही लगा लेते हैं आज ट्रैश बैग है ना। लेकिन ऑफ करके हुआ था ना, इसके लिए हम ना चलो आज देखते ऑनियन का क्या होता है। चलो पहले अवनीश को दे दूं मैं करने के लिए। हाँ दे दो। हम लोग तीन ही लोग हैं गाइस, तो हम लोगों ने थाली लाया है जो स्टील का है, रिसाइकलेबल या रीयूजेबल होता है ये। सो हम लोगों ने वन टाइम यूज के थैलियाँ वगैरह नहीं लाए हैं, ठीक है। सो आधा ये ले लो और इसके अंदर ये ले लो आप। इसमें स्मैश करेंगे दादू। पर मैं भी थोड़ा सा कर सकती हूँ। अब सामने बैठना है, उसके ऊपर बैठना है। वो बॉक्स, फूड बॉक्स फिर से लगा दो ठीक से। फूड बॉक्स ठीक से लगा दो। ओके सर। उसका ऐसा नाम दिया क्या आपने? हाँ, पीछे करो अवनीश थोड़ा सा और उसको। हाँ, आपको बैठने को जगह हो जाएगी। हाँ, बैठ जाओ पलथी मार के और अच्छी तरह से उसको ग्रेट करो, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा। सो वहाँ ग्रेट कटिंग काम चालू हो गया गाइस। यहाँ मेरे लिए ऑनियन कटिंग का काम है। बस सिंपल सा आज मेन्यू रहेगा। मेन्यू कुछ ज़्यादा खास नहीं है आई नो गाइस, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा एटमोसफियर बना है ना। और आद्या अवनीश दादू को देख के सीख रही है अभी। सो धीरे धीरे वो भी नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छी अच्छी चीजें करेगी, है ना आद्या? हाँ। वेरी गुड गुड गुड। थोड़ा सा करने वाली पर आप ट्राई करोगे? अच्छा अच्छा, दादू थोड़ा दे दो उनको, बड़ा है तभी ट्राई करने के लिए दे दो आद्या को। हाँ, नीचे नहीं गिराना, बीच में रखना है उसको। हाँ, बीच में रखो अवनीश, साइड में मत करो उसको बेटा। हाँ चलो देखते हैं आद्या का कैसे जमता है। ओके, दादू की हेल्प से हो रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ सैंडविच की तैयारी हो चुके हैं, कैरेट्स ग्रेट हो चुके हैं, ऑनियन कट गए हैं और अभी कटने वाला है क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर यहाँ पापा काट रहे हैं, हमारे दोस्त यहाँ हमें कुछ देख रहे हैं। और यहाँ इस साइड पर थोड़ा ग्रीनरी का एरिया है और इस साइड नीचे मंदिर है और वहाँ पहाड़ है। और यहाँ हमारी गाड़ी लगी है और कुकिंग कर रहे हैं। ओ बहुत सारी हवा चल रही है। और बहुत सारी हवा चल रही है। सो फूड बॉक्स में से आप मेरे को पनीर दे दो। बढ़िया। चीज का भी पैकेट दे दो। यस वेरी गुड। हाँ मेयो भी दे दो। ये भी, ये वाले मेयो भी दे। चलो गिराना नहीं, गिराना नहीं। सॉस भी दे दो। अरे मेरे हाथ में तो दे दो बेटा। और गिर गया दोनों। हाँ दे दो चलो। सो गाइस सारा सामान फूड बॉक्स से निकल चुका है। हमारे पास सारा सामान है जो कि हमें एक सैंडविच बनाने के लिए लगेगा। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि निकाल रहे हैं पापा, वो है मेयो। मेयो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है सॉस। सॉस और मेयो का मिक्सचर बहुत अच्छा है लगता है सैंडविच पर। बस स्टार्टिंग में ही लगने लग गया कि सैंडविच इतना यम्मी होगा, इतना यम्मी होना होगा ना कि बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी अगर आपको, हमें तो ये जगह बहुत पसंद है, पर अगर आपको, पर आप भी इस जगह पर आए कैंपिंग करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। तो गाइस ये हमने कैंपर ले लिया था, पानी का भी काम हो जाता है इससे। फिलहाल तो आज हम लोग कम है, तीन ही लोग हैं, तो इसमें धोने का काम भी कर ही ले रहे हैं, सेम पानी यूज कर रहे हैं। सो आज का गैस शुरू करेंगे। अवनीश भाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हो गया। फ्राई करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ हमें दो ही चीज की जरूरत है,
सर तीन चार स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप नंबर वन, गैस ऑन करो। स्टेप नंबर टू, उस पे पैन रखो। और स्टेप नंबर थ्री, उस पे तेल डालो। चलो वो करते स्टेप नंबर थ्री। तो मैंने जो स्टेप बताया था कि तेल डालेंगे, तो तेल डल चुका है और वो थोड़ा तेल गर्म हो रहा है। तब तक हमने यहाँ पैटीज भी निकाल ली हैं। तो ये रही हमारे पैटीज। मैं दूर हो जाता हूँ क्योंकि तेल का रिएक्शन देखना नहीं चाहिए, जिससे हमें इफेक्ट हो सकता है। यहाँ हमारी पहली पैटी फ्राई हो रही है। पापा, अब थोड़ा पास जाकर दिखाता हूँ आपको। तो पहले हमने जो मेयो बनाया था, जो मेयो है वो पहले पापा निकालेंगे, इन ब्रेड पर पेस्ट करेंगे। इन दोनों पे, इस पे और इस पे डालो। हाथ में नहीं डालो डालो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आद्या ने एक डिप डाल दिया है और ये पापा ने मुझे हेल्प की। छोड़ दो, छोड़ दो। ये मेयो पता नहीं कैसा होगा। चुप, मेयो कैसे होता है? मेयो जैसे ये सब खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पैटीज में डालूंगी। यार तुमने दूसरा भी डाल दिया, इसमें अब हम पनीर डालेंगे दोनों के ऊपर। तो अभी ये वाला मैं डालूंगी। अंधेरा थाम बेटा जरा। अब थोड़ा सा क्यूक्यूबर। ओ यम्मी। अब डाला जा रहा है ऑनियन। यस। और थोड़ा और नहीं, इस साइड, इस पर भी पनीर डाला जा रहा है। बोले सोने सतरिया बोले कहा। तो ऑनियन भी डाल दिया है। बोले हाय हाय। ऐसे करके पापा ने सैंडविच की शुरुआत, सैंडविच बनाने की शुरुआत की है। अब यहाँ डाला जा रहा है एक टाइप का मेयो। मतलब वैसे लग रहा है वो टूथपेस्ट है। यस। हम इसको लो, ब्रश कर लो। यहाँ दोनों भी सैंडविच रेडी हो रहे हैं। वैदर हवा बहुत चल रही है। यहाँ बहुत सारा चीज़ और कुछ सामान लग चुका है। थोड़े से पोमोग्रेनेट भी। और ये क्रश। ये बहुत गर्म हो चुका है। देखिए धुना लग गया था ना, इसके पापा ने उसको नया कर दिया। सच बोल दियो। तो यहाँ पापा ने इसमें बटर डाल दिया है ताकि बटर से टेस्ट आ सके। और भाई स्मेल तो बटर की अच्छी होती है, तो स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी बटर की जब सैंडविच में मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा सैंडविच जो कि सीधा जा रहा है यहाँ। अब इसे क्लोज करेंगे और थोड़े देर के लिए रखेंगे, पर ध्यान रहे कि ये जल ना जाए। उसको गोल गोल घुमाते हैं ना पापा, उसको गोल गोल घुमाते हैं ना। देखिए अपना सैंडविच तैयार हो रहा है। एक साइड से तैयार हो गया, दूसरी साइड के लिए रखेंगे अभी। तब तक लेते हैं पोटैटो नगेट्स का मजा। ये लो कैमरामैन जी, कैमरा को मत लगाओ। और हमारा थोड़ा सा जल गया है, फिर भी हम खाएंगे। टेस्ट आ रही है। पलटी करके देख लेते हैं। दूसरा साइड तक अच्छी तरह से हुआ नहीं, इसमें थोड़ा और बटर की जरूरत लग रही है।
हमारा पहला सैंडविच तैयार है गाइस, तालियां बजाइए। मैंने अपने आवाज से तालियां बजाई। टक टक टक। बोल रहे हो? सैंडविच बहुत यम्मी बना है, बहुत ज्यादा यम्मी। और आद्या, आपको कैसा लगा सैंडविच? वेरी नाइस, थैंक यू। सो फाइनली गाइस, ब्रंच लंच जो भी आपका ये हो गया, बहुत ही अच्छा दिन गया। आने में थोड़ा हमने लेट कर दिया, एक्चुअली थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। इस लोकेशन पर अगर आप आ रहे हैं, पुणे से अगर आप आ रहे हैं, तो आपको ये 120-130-15 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है, 115 किलोमीटर्स। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी निकलो, क्योंकि चाकण या बीच के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, उनकी जो ट्रैफिक लगेगी आपको, उस वो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद हाईवे पे, तो नासिक हाईवे पे, बाकी तो आप इजीली आ जाओगे। आपको एग्जैक्टली घारगांव में आना है, और घारगांव में कलजाई देवी, आप किसी को भी पूछोगे आपको बता देगा। घारगांव भी बहुत फेमस है पेड़ों के लिए, उनके जो पेड़े मिलते हैं उसके लिए। तो आप इजीली, घारगांव भी हाईवे पर ही है, हाईवे से ही अंदर, आई थिंक 5 किलोमीटर्स, ज़्यादा नहीं, बहुत इजीली आ जाओगे आप। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि रास्ता बहुत छोटा है और मिट्टी का है, देखिएगा ऐसा है। तो ये तो इजीली आ गई, क्योंकि इसकी हाइट भी ज़्यादा है और विड्थ भी, इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी नैरो गाड़ी है, तो ये आराम से आ गई। आपकी गाड़ी आप ला रहे हो तो SUVs तो इजीली आ जाती हैं, सेडान का जो है आई डाउट कि यहाँ से आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत ही संकरे रास्ते हैं गाइस, एक ही गाड़ी एक टाइम पे आ पाएगी। लेकिन मेस्मराइजिंग व्यूज़, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, इवन ये विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा लोकेशन है गाइस। मैं तो यहाँ सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम अगर मैं आता हूँ, बच्चों के साथ नहीं लेकिन किसी फ्रेंड के साथ, जैसे आशीष के साथ मैं लास्ट टाइम आया था, आपने वो वीडियो देखा भी होगा आहूपे का, नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं ऐसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस के छोटे छोटे वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, मेरी कोशिश। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मेरे चैनल में, ज़रूर बताइए। और ये लोकेशन का, ये जो इसका लोकेशन है, इसका पिन मैं डाल दूंगा नीचे, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और बिल्कुल गांव के बीच में ही है, हम ऐसा नहीं कि गांव के बाहर हैं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट है गांव का। देखिए कि मेरे पीछे घर भी आपको दिख रहे होंगे, तो मैं आया यहां से हूं, लेकिन ये रास्ता आगे जा रहा है गाँव में, आई डोंट नो कहाँ जा रहा है, मैं इसको एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, तो सो सॉरी। बहुत अच्छा खाना हो गया। अगर रात को यहाँ रुकना भी है तो इवन आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हो और यहाँ आराम से रुक सकते हो। आपके कोई बहुत डरने वाली या कोई बहुत ही लोन लोकेशन नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन लग रही मुझे। और मंदिर मैंने आपको जैसे दिखाया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा है। पैकिंग हमारा सारा हो चुका है गाइस, सो ये देखिए गाड़ी पूरी पैक हो गई, टार्प भी निकाल दिया, सब साफ़ सफाई। हाँ, ये देखिए गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साफ़ सफाई, हमने कुछ नहीं लाया था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी यहाँ आ रहे हैं, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्लीन लोकेशन है, गांव का अच्छा खासा ये लोकेशन है, ये बहुत अच्छा खासा वाइब मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी गंदगी मत डालिए गाइस, ठीक है। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ। This is Abhishek signing off from Steer Away. Please be connected, like, share and subscribe as I said. Okay, thank you guys. Guys, bye kar do.